तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योमे ट्रैवलर्स। आज हम लोग का डे 3 है इन गोवा। सो आज हमने ज़्यादा कुछ रखा नहीं था। आज हमने सवेरे हमने पूल में टाइम बिताए और उसके बाद दोपहर में एक मस्त जगह हमने अपना लंच किया। उसका भी डिटेल मैं आपको दे दूंगा। बहुत ही अच्छा लोकल रेस्टोरेंट था और बहुत ही अच्छा फिश थाली मिला। तो अभी हम लोग हैं ओरंबल मार्केट में और चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारा डिटेल मैं आपको देते जाता हूँ। हम लोग अभी ओरंबल के लोकल मार्केट में घूम रहे हैं और ओरंबल का जो मार्केट है वो लोकल टाइप का जो ड्रेसेस है उसके लिए फेमस है और कुछ एंटिक पीसेस भी मिलता है यहाँ पे। मैं सारा क्लिप डाल दे रहा हूँ, आपको सारा आइडिया हो जाएगा। गोवा के बाकी नॉर्थ वाले जो भी मार्केट्स हैं उसके हिसाब से ओरंबल मार्केट में आपको रिजनेबल प्राइस में सारे सामान मिल जाते हैं। तो आप एक बार ओरंबल मार्केट ज़रूर आइए और अगर आप कोई भी सामान लेते हैं वो आपको कोई भी रेट बोले आप एक बार ज़रूर उनसे नेगोशिएट करिए ताकि आपको एक डिसेंट प्राइस मिल जाए। वो प्राइस तो कुछ भी बोलेंगे लेकिन आपको एक डिसेंट प्राइस बोल के नेगोशिएट जरूर करना है। सो अभी हम लोग ओरंबल के लोकल मार्केट में घूम रहे हैं और यहाँ पे एक शॉप है अशोका, आप देख सकते हैं बहुत सारे ड्रीम कैचर के वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे ये लोग अपना खुद का बनाते भी हैं ड्रीम कैचर। चलो इनसे पूछते हैं कि प्राइसेस क्या क्या है। भैया थोड़ा अपने व्यूअर को आप बताइए कि ड्रीम कैचर का स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है। सर स्टार्टिंग 50 से स्टार्ट है, जो सबसे छोटा आता है कार में लगाते हैं। जैसे जैसे साइज बड़ा होता है, डिजाइन बड़ा होता है, प्राइस बढ़ता जाता है। 500, 700, 2000 तक का भी है, 4000 तक का भी है। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। डिजाइन अलग अलग प्राइस। ठीक है भैया, थैंक यू। सर कितना हो गया? सर इसका हो गया आपका। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल लगा हुआ है, 50 रुपये से चालू है ड्रीम कैचर। अच्छा ये कितने का पड़ा? 50 रुपीज़ का। ईयरिंग है? ठीक है। तो ये जो छोटा कार वाला आप देख रहे हैं ड्रीम कैचर, ये 50 रुपये है और ऊपर वाला जो है ये 500 से 600 रुपए है। यहाँ पर रेट थोड़ा प्रॉपर है बिकॉज ये लोग यहीं पे बनाते हैं। ओरंबल के मार्केट में आपको बहुत सारा ड्रीम कैचर की दुकान मिल जाएंगी। आप यहाँ से आराम से थोड़ा नेगोशिएट कीजिएगा, जो भी वो प्राइस बताएंगे आप उससे नेगोशिएट करके कम ही दीजिएगा। बड़ा साइज का भैया कितना रहता है रेट? ये वाला साइज का भैया 800 रुपए। ठीक है, सब देख सकते हैं 800 रुपए का भी वैरायटी मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए और एक्सप्लोर करते हैं मार्केट। तो यहाँ पे आपका एक म्यूज़िकल स्टोर भी है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाएंगे और ये लोग अपने हाथों से बनाते हैं। अफ्रीकन जुम्बे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसका रेट स्टार्टिंग 1000 रुपए से है। और भैया स्टार्टिंग 1000 रुपए से है, मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम देखो 1000 रुपए का स्टार्टिंग प्राइस है और जो है ना हमारा 10,000 भी हो जाता है। अच्छा 10,000 तक जाता है, 15,000 तक जाता है। ये जो है ना ये अफ्रीका से आया हुआ है। अच्छा तो ये है ना 30,000 है। 30,000 ये हैंडमेड। अच्छा लकड़ी भी ना हाथ से काटा गया है। अच्छा और बाकी सब हाथ से काम हुआ है। अच्छा ठीक है, ठीक है। आप जो आप जो पकड़े हुए हैं वो थोड़ा छोटा सा दिख रहा है। ये मशीन है, ये इंडियन। अच्छा ये इंडियन है, देखो साउंड। Thank you.
इसका क्या प्राइस हो जाएगा? ये आपको पड़ेगा 4000। 4000 रुपीस नेचुरल जब में नेचुरल स्किन, और ये आपको पड़ेगा 2000। ठीक है, 2000। ठीक है, तो दर्शक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप लेना चाहें तो अरम्बोल मार्केट में आप आ सकते हैं। इनका स्टोर, आपका स्टोर का नाम? न्यू म्यूजिकल शॉप। ओके, सो न्यू म्यूजिकल शॉप आप किसी से भी पूछ के यहाँ पे आ सकते हैं अरम्बोल मार्केट में। और सराग भाई, ठीक है, तो सराग भाई को कितने साल पुरानी होगी? 17 साल होंगे। ठीक है, 17 साल पुरानी दुकान है। तो आप आइए और आके यहाँ से अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉप कीजिए। चलिए बाय, थैंक यू। चलिए अब आगे चलते हैं बीच के तरफ। और जब आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे हुक्के की दुकान मिल जाएगी जहाँ पे हुक्के बिक रहे हैं, बहुत सारे चिलम और पाइप्स बिक रहे हैं। आप देख सकते होंगे कपड़े की दुकान तो भर भर के हैं, बहुत ही बढ़िया माहौल बना हुआ है शॉपिंग का। राइट साइड में आप देख सकते हो कि 3D प्रिंटिंग की दुकान है जहाँ पर सारे प्रिंट हो रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बीच की तरफ चलते हैं। सो अभी हम अरम्बोल बीच पहुंच चुके हैं, शाम का वक्त है, सनसेट होने वाला है और थोड़ा आज रश है, क्राउड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आज। देख सकते हैं बीच सैक्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये आप देखिए सनसेट हो रहा है, अभी थोड़ी देर में सनसेट कम्प्लीटली हो जाएगा। इस साइड में भी कुछ बीच सैक्स हैं, देखिए। और अगर आप उस साइड से आगे जाएंगे तो आपको एक फ्रेश वाटर लेक मिलेगा, जो कि हम लोग देखेंगे अगर कवर हो सकता है तो कवर करेंगे। अभी शाम हो गया है तो बच्चों के साथ हर जगह कवर करना कभी कभी मुश्किल होता है, तो जितना पॉसिबल है हम लोग कवर करेंगे और आपको मैं अपडेट देते जाता हूँ जो भी हमें मिलता है। तो बीच सैक्स का रेट अभी भी वही है, 100 रुपीज़ अगर आप कुछ खाना नहीं लेते हो, 100 रुपीज़ पर आवर। और अगर आप कुछ यहाँ से खाना मंगाते हो तो वो फ्री हो जाता है। सनसेट अभी कम्प्लीटली हो गया है, आप देख सकते हैं सामने सूरज डूब गया है। देखते ही देखते शाम ढल चुकी है और आप देख सकते होंगे कि कैंडल लाइट्स आके टेबल के ऊपर सज चुकी हैं और पार्टी वाला माहौल बन चुका है, म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है। और एक्चुअली जितना आपको ये ब्राइट दिख रहा है ये मेरे कैमरे की वजह से दिख रहा है, एक्चुअल्स में लाइट और थोड़ी फेड हो चुकी है और माहौल पूरा ज़बरदस्त दिख रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यूमे ट्रैवलर्स को, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आ सके। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।